कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा के स्टेडियम में हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए। ये ग्रामीण गोमे में 21 अक्टूबर को हुए मुठभेड़ मामले में लामबंद है। ग्रामीणों ने काना वेदा और मोड़ा रामपद्दा नाम के युवकों को नक्सली बताकर बस्तर फाइटर डीआरजी और बीएसएफ की टीम के द्वारा फर्जी एनकाउंटर किए जाने का आरोप लगाया है। आदिवासी समाज का कहना है कि दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। कोयलीबेड़ा ग्रामीणों और समाज प्रमुखों का आरोप है कि ये मुठभेड़ फर्जी है। वे दोनों युवक अपने दैनिक उपयोग की सामग्री लेने काकनार से कोयलीबेड़ा आए हुए थे। रास्ते में इन सभी को रोककर महिलाओं को जाने दिया गया। दोनों युवकों को मार के नक्सली बता दिया गया। ग्रामीणों ने मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मुठभेड़ का है जो 21 अक्टूबर को हमारे अबुझमाड़ के दो युवक को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर से मारा गया है और उन्होंने 20 तारीख को यहां पर बाजार आए थे और उनके परिजन के साथ घर जा रहे थे। 21 तारीख को दोनों को पकड़े और उसमें से 7 महिला थे, 2 पुरुष थे और 3 बच्चे थे। जब इन लोग राशन लेने आए थे, राशन नहीं मिलने की वजह से इन लोग घर जा रहे थे अपने काकनार। उसी बीच में बस्तर पाटन और डीआरजी के और बीएसएफ के जो संयुक्त टीम थी उन्होंने पकड़े और उनको गोली मार के हत्या कर दी गई।